एफएक्स फ्लूड्स देखना है, कंटेनर, थ्री डी कंटेनर कंटिन्यू करते हैं, तो मतलब पार्टिकल में से फ्लूड एमिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बॉल्स क्रिएट कर लेता हूँ, एमिटर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, सेट ओके ओमनी है उसको, डायरेक्शनल पार्टिकल्स क्रिएट, ठीक है। एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, एमिटर नहीं चाहिए, पार्टिकल मुझे एक एमिटर को यूज करना है एज एमिटर, क्लोज कैंसिल करके इस तरह से हो रहा है, सिलेक्ट पार्टिकल्स, शिफ्ट सिलेक्ट कंटेनर्स, फ्लूड्स एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ओके इसको प्ले कर दूं, ओके तो इस तरह से ये हो रहा है। पार्टिकल्स का फ्लो अलग है, सॉल्यूशन का फ्लो अलग है, लेकिन पार्टिकल एज एमिटर पार्टिकल यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लो अलग अलग है, मतलब फ्लूड्स पार्टिकल्स के फ्लो को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल शिफ्ट सिलेक्ट कंटेनर क्लिक करना है, फेल सोलोवर करके ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इसके पहले हमने ये यूज़ किया है, इससे सेट फॉर्म सेट करने के लिए यूज़ किया था, तो इसके लिए इनिशियल सेट के लिए यूज़ किया था, ओके। तो अभी हमको यूज़ करना है असाइन टू सिलेक्टेड, क्लिक कर, तो अभी मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, तो इस तरह से कुछ इफेक्ट्स आ रहा है। तो अभी इसमें दो फोर्सेस, एक फोर्स है फ्लूड्स का, एक फोर्स है पार्टिकल्स का, तो कुछ इस तरह से अभी एक दूसरे पर डिपेंड्स है, मतलब इसका बॉयंसी फ्लूड्स का, फिर पार्टिकल स्पीड, जो भी इसका टर्बुलेंस, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स इसके अंदर इनबिल्ट है, जैसे इसके अंदर ग्रेविटी है, तो स्टार्टिंग में कैसा हो रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, लेकिन जैसे फ्लूड निकल रहा है तो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्या फ्लूड के प्रेशर के ऊपर पार्टिकल्स का डिपेंड्स है। दूसरा, इसके अंदर जो फ्लूड एमिटर है इसका ड्रॉपआउट में जीरो पे लेता हूँ ड्रॉपआउट, तो भी मैं देखता हूँ इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट हल्का हल्का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं पार्टिकल का सेटिंग कर लेता हूँ, पार्टिकल का जो रेट है वो मैं कम कर लेता हूँ, तो पार्टिकल रेट कितना है, एमिटर के अंदर जाओ, रेट है 100, तो अभी मैं इसको 10 कर लेता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ, तो 10 पार्टिकल इस तरह से आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पार्टिकल जा रहे हैं कंटेनर से बाहर, तो फ्लूड एमिट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कंटेनर्स, ऑटो रिसाइज, तो भी इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मैं पार्टिकल्स के अंदर ट्रबुलेंस ऐड करता हूँ या फिर फ्लूड के अंदर ट्रबुलेंस ऐड करता हूँ, तो इफेक्ट भी एक दूसरे पर डिपेंड्स है। इसके अंदर मैं डेंसिटी कंटेनिटल के अंदर हाई सॉरी ट्रबुलेंस यहाँ पर ट्रबुलेंस इफेक्ट आ रहा है, वो फ्लूड्स का ट्रबुलेंट है, इसके वजह से वो पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन एमिटर तो पार्टिकल ही है, लेकिन फ्लूड्स में ज़्यादा फोर्स है, ट्रबुलेंस ज़्यादा फ्लूड्स के अंदर है, इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जो फ्लूड निकल रहा है वो पार्टिकल को ट्रबुलेंट कर रहा है। तो मैं पार्टिकल्स को यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकता ट्रबुलेंस का, लेकिन मैंने जो पार्टिकल के थ्रू जो फ्लूड सिमुलेट हो रहा है उसी को मैंने टर्बुलेंट बढ़ा दिया, इनबिल्ट था इसलिए, तो वो टर्बुलेंट कर रहा है पार्टिकल्स को, तो इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। तो पार्टिकल जहाँ तक जाएगा वैसे इसके अंदर फ्लूड एमिट होगा, तो इस तरह से इफेक्ट कुछ मिलेगा। अब इसका डेंसिटी कितना है, रेजोल्यूशन 10 है, इसको मैं 20 कर लेता हूँ, देखता हूँ प्ले करके थोड़ा कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ इसका, अभी इसका मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, कलर्स इसका इनकैंडेसेंस का अप्लाई करता हूँ डेंसिटी के ऊपर, और कुछ इस तरह से प्ले कर लेता हूँ एक बार फिर से इसको, तो मैं लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ उसका, सेल्फ शैडो ऑन कर दिया, ओके प्ले कर लेता हूँ, शेडिंग का, कलर्स का, डेंसिटी का इनपुट बैच को चेंज करता हूँ इस तरह से हो रहा है, और फिर इस पैरामीटर्स को मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके मुझे इफेक्ट यहाँ मिल रहा है इस तरह से, पार्टिकल्स में से फ्लूड एमिट होता है, तो ठीक है।
तो ये सेटिंग किया, इस कलर्स को मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, इसको ब्लैक को थोड़ा नजदीक और देन इसको थोड़ा सा सेंटर में, तो वो कलर मुझे दिखना चाहिए तो इस तरह से कुछ थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा इसको, थोड़ा बढ़ाओ तो ये बढ़ जाएगा और फिर एंड में ब्लैक आएगा, तो इस तरह से सेटिंग इसका करना पड़ेगा। पार्टिकल्स को तुम जो भी फ्लो दोगे, जिस तरह से मोशन है पार्ट जो भी फ्लो दोगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इस तरह से ये इफेक्ट मेरा आ रहा है। तो ये जो डिस्प्ले में जो आ रहा है ये वाला कलर है, मैं इस कलर्स को चेंज कर देखता हूँ, तो इसको चेंज करके प्ले करता हूँ, दिखेगा कहीं कहीं पर समझा ये कलर आ रहा है, नहीं दिख रहा है समझना फिर ये कलर, तो इसको रेंडर में देखते एक बार रेंडर में क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अभी ये जो पार्टिकल्स है यहाँ से, ये इस पार्टिकल्स के साइज को यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जब दिखाई देखे कि ये पार्टिकल्स से प्रॉपर पार्टिकल्स में से ही सिम्युलेट हो रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको इंचज कर सकते हो, उसमें से इस तरह से ट्रेल निकालना है तो निकाल सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये ट्रेल तो बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि इसको ऑन रखा है कटोरी साइज, तो मैं पार्ट फ्लूड्स के डेंसिटी के अंदर जाता हूँ फिर से, डेंसिटी के अंदर मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करना है जो 0.1 का है डिफॉल्ट, तो सॉरी टेम्परेचर का अच्छा डेंसिटी का करना है, तो डेंसिटी को मुझे यहाँ से 0.5 करना है, डिफ्यूजन को नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूजन को मैं यहाँ से 0 कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे देखना है कैसे इफेक्ट आ रहा है प्ले करके, तो पार्टिकल धीरे धीरे फिल्टर होने चाहिए, इसके थ्रू हो गए 10 थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी दिख रहा है क्योंकि ये इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से, अभी इसको मैं रेंडर कर, अभी इसका बॉयंसी बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा पार्टिकल्स, अभी क्या ट्रबुलेंस और बॉयंसी में थोड़ा सा दिख गया ऊपर, मैं बढ़ा दिया, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका जो फ्लो है वो नीचे आएगा, तो ये पैरामीटर को तुमको पता चाहिए कि अभी मैं किस पैरामीटर पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है, ये तुमको कब समझ में आएगा जब तुमको सब पैरामीटर प्रॉपर पता है कि अभी मैं कौन सा पैरामीटर क्लिक करूँगा तो क्या होने वाला है। जिससे मुझे कम करना था पीछे का ट्रेल तो मैंने डिस्पेशन कम कर दिया और बढ़ा दिया मतलब 3 कर दिया, और मुझे नीचे चाहिए था पॉइंट से तो -5 कर दिया, ऊपर चाहिए तो 5 कर दूंगा, और अगर इसका इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए तो 0 कर दूंगा, या फिर रखना है हल्का सा 1 कर दूंगा, फिर ट्रबुलेंट इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब ट्रबुलेंट का इफेक्ट काम करेगा इस तरह से। अभी ट्रबुलेंट किसका है, ट्रबुलेंट है डेंसिटी के नीचे, ट्रबुलेंस ये वाला ट्रबुलेंस अभी काम करा, अगर मैं 0 कर दूंगा ट्रबुलेंस तो ये ट्रबुलेंस भी काम नहीं करेगा, तो कुछ इस तरह से इफेक्ट जा रहा है जो ऊपर पार्टिकल्स हमें दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स निकल रहे उसमें से ट्रेल निकल रहा है, वो तुम बढ़ाओगे रिजोल्यूशन बढ़ाओगे या पार्टिकल स्पीड बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल और ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से इफेक्ट आएगा। अभी इसके अंदर कौन सा पैरामीटर काम कर रहा है, अभी इसके अंदर जो फोर्स है इसका फ्रूट्स का फोर जो आ रहा है उसके हिसाब से ये ऊपर जा रहे हैं पार्टिकल्स, पर देखो तुमको यहाँ पे मैंने फ्लूमीटर में ड्रॉपअप 0 रखा है, उससे क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा 4 तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे जो नीचे आ रहा है, इस तरह से ये, तो ये पैरामीटर्स को तुमको पता चाहिए कि क्या मैं करूँगा तो क्या होगा, इसका ड्रॉपअप 0 हो गया मतलब पार्टिकल डायरेक्ट इस तरह से सिम्युलेट हो रहा है। पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स के सेटिंग्स के अंदर, सॉरी एमिटर के अंदर इसका स्पीड चेक करो क्या है, इसका स्पीड 1 है एक्शन एक्स से, फिर भी ये वाई में जा रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्लूड का प्रेशर है, फ्लूड के वजह से वो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं इसका यहाँ से 10 इसको 1 रखता हूँ एक्स और बढ़ाता हूँ स्पीड 5 कर देता हूँ तो भी x में ज्यादा फ्लो जाएगा, कि जो x में जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये फ्लो मिल रहा है,
जैसे पार्टिकल निकलते हो एक्स में निकलते हैं, लेकिन उसके अंदर फ्लूड का प्रेशर होने की वजह से वो ऊपर जा रहे हैं, उनको ये वाला इफेक्ट यहाँ भी इस तरह से मिल जाता है। तो ये सब सेटिंग है क्योंकि तुम किस तरह से इसको यूज करते हो। तो मैं टेन कर लेता हूँ और तो देखो पार्टिकल्स का फ्लो किस तरह से जा रहा है। इस तरह से ये फ्लो आ रहा है, तो भी टू कर दिया है। अभी क्या होता है कि इसके अंदर मैंने ऑन रखा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज, नहीं तो ये फटाएगा ही नहीं। थोड़ी चीजें हैं तो तुमको धमे दो निस्तर से निकल जाएगा, ये इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेता 50 रिजोल्यूशन तो ये कम हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा मीटर्स लेकिन एक लिमिट तक, ज़्यादा दूर तक नहीं, वो खत्म हो जाएगा 50 तक ही बढ़ेगा, उसके बाद में फिर वो ऑफ हो जाएगा, मतलब पार्टिकल उसके बाहर नहीं जाएगा। देखो दिख रहा है, तुम यहाँ से सेट कर सकते हो उसका कितने दूर तक वो पार्टिकल्स ऑटो रिसाइज होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू ऑटो रिसाइज होना चाहिए, तो तुम्हारा रेजोल्यूशन दिया हुआ है। तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, इस पार्टिकल्स को थोड़े टाइम के बाद बाहर निकले, उसमें से फ्यूल निकले, फिर पार्टिकल्स को ऑफ कर देना है। तो लाइफ स्पैन तो मैं जल्दी किल कर लेता हूँ पार्टिकल्स को, जैसे पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वैसा वैसा फाइल हैवी हो रहा है क्योंकि फ्लूड भी उसमें जनरेट हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 3 करके देख, या फिर मुझे अभी पार्टिकल्स का डेंसिटी कम करना है पार्टिकल पर सेकंड, तो वो भी कम करूँगा, तो भी फ्लूड थोड़ा मेरा हेवी मतलब पीसी सपोर्ट कर देगा। पार्टिकल क्लीन 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 कब हो गए, ठीक का रखा है, क्लीन होना चाहिए। जैसे क्लीन होना चालू करेंगे ना तो सब वो फिर फाइल फिर से निकलेगा, फिर हेवी नहीं होगा। हील हो गया, ये हील हो जाएगा, ये हील हो गया, अभी पार्टिकल अभी हील हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नए पार्टिकल कंटिन्यू निकल रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको 70 या 60 फ्रेम को की दे दूंगा एमिटर के पर सेकंड को सेट की, तो उसके 5 फ्रेम है जो भी है, उसके बाद में इसको 0 कर दूंगा, तो फाइल अभी हैवी इतना नहीं होगा कि नए पार्टिकल एमिट नहीं होंगे, जो पार्टिकल है वही निकलेंगे फिर किल हो जाएंगे, फिर नए पार्टिकल एमिट नहीं होंगे तो उससे फाइल ज़्यादा हैवी नहीं होगा। और फ्लूड बचा, फ्लूड ऑफ है, वो फ्लूड को हमने नहीं दिया है कोई पार्टिकल लाइफ दिया नहीं, लेकिन पार्टिकल को लाइफ दिया है तो एमिटर ही खत्म हो जाएगा, तो फ्लूड बचेगा ही नहीं, तो जितना बचा हुआ फ्लूड है वो ऑफ हो जाएगा। फिर हमको फ्लूड को जल्दी ऑफ करना है तो हम डिसिपेशन को की दे सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं उसको,